नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जेम एंड ज्वेलरी शो जस्ट 2017 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें डायमंड, पोलकी, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज अपने चमक और डिजाइनर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मंच पर एकत्रित होने वाली है। जयपुराइट्स के लिए ज्वेलरी वाइड रेंज यहां पर देखने को मिलेगी, जिसका कॉन्सेप्ट भी अब डिटेल में देखने को मिलेगा। मॉडर्न फैशनेबल ज्वेलरी, कुंदन और मीनों का ये आकर्षक हार, राजस्थानी परंपरागत आभूषण, डिजाइनर रिंग्स जिनसे नजरें हटाने का दिल नहीं करता, ये नजारा है इन दिनों जयपुर में चल रहे 11वें JAS एग्जीबिशन का। अगर आप भी आभूषणों की इस जगमगाती दुनिया को देखना चाहते हैं, तो आप जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आ सकते हैं, जहां इन दिनों राजस्थानी परंपरागत ज्वेलरी के अलावा आधुनिक फैशनेबल ज्वेलरी के 500 से ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। इस एग्जीबिशन की थीम रखी गई है कुंदन और मीना, यानी यहां आपको कुंदन और मीना से बनी ज्वेलरी की ढेरों वैरायटी मिल जाएंगी। यहां प्रदर्शनी में लगाए गए कुछ खास किस्म के नेकलेस के बारे में बताया हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी ने। अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर की ज्वेलरी खरीदना ना भूलें। इस तरह की जयपुर की जो ज्वेलरी होती है कुंदन और मीना की, वो देश और विदेश में प्रख्यात है। अभी JECC में जस्ट 2017 का आगाज हो चुका है और जस्ट 2017 के आगाज के साथ ही 500 स्टॉलों की विभिन्न तरह की वैरायटीज आपको ज्वेलरी की मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ज्वेलरी यहाँ पर है। अगर आप जयपुर आते हैं तो इस तरह की जयपुरी ज्वेलरी खरीदने ना भूले। और हम आपको बताना चाहेंगे, ज्वेलरी एसोसिएशन ने इस तरह का कार्यक्रम कराया है। बता दें कि दुनिया भर में जवाहरात के मेले के रूप में प्रसिद्ध जयपुर के ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का शुभारम्भ शुक्रवार को हुआ। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने रिबन काट कर शो का उद्घाटन किया। इस दौरान जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी और प्रदेश की कई गणमान्य हस्तियों के साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन के कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। B2B बिजनेस, B2B डायलॉग्स होंगे या B2C डायलॉग्स होंगे, जहाँ NRIs के लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जैसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनता जा रहा है, न केवल डोमेस्टिक मार्केट के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। जैसे कि बड़ा ब्रांड डेवलप हुआ है, इस ब्रांड के रूप में डेवलप हुआ था, उसके निश्चित रूप से फायदे हम सबको मिलेंगे। जयपुर 250 साल से ज़्यादा जयपुर में रत्न व्यवसाय के लिए जयपुर ये हब के रूप में जाना जाता है। और न केवल रत्न व्यवसाय में, तो ज्वेलरी के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर और जयपुर में जिसका काम हो रहा है, और जयपुर के ज्वेलर्स की क्रेडिबिलिटी है, जयपुर के ज्वेलर्स की क्रेडिबिलिटी को सर्टिफाइड ढंग से दुनिया के सामने पेश किया जाए, तो दोस्तों जयपुर एक ब्रांड बन सकता है। उस दिशा में ज्वेलर्स अगर काम करेगी, जयपुर के ज्वेलर्स अगर काम करेंगे, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बिजनेस पे पड़ेगा। तो जेम्स बॉन्ड का मामला मैं भैरव सिंह जी शेखावत साहब के टाइम से सुन रहा हूँ कि जेम्स बॉन्ड जयपुर में लाया जा रहा है, ज्वेलर्स उसके लिए काम कर रही है। मैं समझता हूँ सरकार इसके लिए शुरू से तैयार है, जेम्स बॉन्ड को प्रमोट करने, जेम्स बॉन्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर खासतौर से। अगर ज्वेलर्स इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल लेके आएंगे, बस तो सरकार सही दिशा में काम करेगी। चाहे हम रंगीन रत्नों की बात करें, चाहे आज के समय में पूरी दुनिया में एक जयपुर बहुत बड़ा ज्वेलरी सेंटर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभर रहा है, और राजस्थान में जो जयपुर के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनने पूरी दुनिया में अपना एक विशेष नाम और एक स्थान बनाया, और इस दृष्टि से इस शो को लेकर सभी लोग काफ़ी आशान्वित हैं। और चूंकि आगे आने वाले समय कुछ समय बाद ही हांगकांग शो होने वाला है, और इस दृष्टि से राजस्थान में यहाँ एक अच्छी खरीदारी होने की, एक अच्छे बायर्स के द्वारा खरीदारी होने की संभावना है। और पूरे राजस्थान में जो पिछले जो जिस तरह की पूरी दुनिया में अभी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन चूंकि आगे हांगकांग शो और फिर सितंबर के अंदर जो सीज़न है हमारे ज्वेलरी का, तो उस दृष्टि को रखते हुए निश्चित रूप से जो जितने सारे हमारे यहाँ जिन एग्जिबिटर्स हैं वो काफ़ी आशान्वित हैं। और निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि जैसे बॉम्बे में भी अच्छा बिजनेस हुआ था, तो जयपुर ज्वेलरी शो में भी हम निश्चित रूप से एक नए आयाम स्थापित करेंगे। वहीं JAS 17 के अध्यक्ष निर्मल बरड़िया ने बताया कि इस बार ज्वेलरी प्रदर्शनी में 2500 NRI बायर्स और 4000 देशी बायर्स हिस्सा ले रहे हैं।
It's really beautiful. I mean, Jaipur is very well known for its colored gems, and it's amazing to see such beautiful designs and such variety of colors and, you know, collection come under one roof. So I'm having a very good experience here. I'm trying on different designs and I'm loving it. अभी देखते हैं काफी चीजें. हाँ जी, हाँ हाँ, शादी है सर. तो आई थिंक फॉर गर्ल्स एंड फॉर वुमेन स्पेशली दिस इज अ ट्रीट. 4 दिन में 30,000 लोग इस जगह विजिट करने चाहिए, जो कि, और उसमें से हमारे 2500 लोग ऑलरेडी हमारे जो ट्रेड विजिटर्स हैं आउट ऑफ जयपुर के, वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन. तो उन लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छा बिक रहा है, और ट्रेड विजिटर हैं तो वो पूरे साल चलते हैं और आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो सब लोगों का इंटरेस्ट उन ट्रेड विजिटर्स में काफ़ी ज़्यादा है. उसके अलावा जयपुर के खुद के भी करीब 4,000 जो ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ आने की उम्मीद है. यहाँ पे करीब करीब 500 स्टॉल्स हैं. 500 स्टॉल में 200 स्टॉल जेम्स की है, जिसमें कि रफ स्टोन्स भी हैं, और इसके अलावा 300 बूथ हैं ज्वेलरी की है. ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 1 सितंबर से 4 सितंबर तक जयपुर एसोसिएशन शो JAS 17 का आयोजन किया जा रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल परड़िया ने बताया कि इस बार ये प्रदर्शनी कुल 3,00,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में आयोजित की जा रही है. वहीं मेले के संयोजकों के मुताबिक इस 4 दिवसीय शो में देश विदेश के 30,000 से अधिक विजिटर्स और 500 से ज्यादा बूथ शो की शोभा बढ़ाएंगे. इनमें से 175 बूथ जेम्स स्टोन्स, 275 ज्वेलरी, 20 रफ स्टोन्स और 30 स्टॉल्स मशीनरी सहित अन्य प्रोडक्ट्स के होंगे. इसमें B2B और B2C दोनों तरह के ट्रेडर्स शामिल हो रहे हैं. इस वर्ष ये कार्यक्रम कुंदन मीना की थीम को लेकर कराया है. कुंदन मीना जो अपने आप में जयपुर की एक परंपरा है, मुगल के ज़माने से चली आ रही ज्वेलरी है, और इसी थीम को लेकर के कि लोगों को इसमें नई नई डिज़ाइन, कैसे नई तरह की चीज़ें, नए इनोवेशन दिखाए जा सकें, इसी उद्देश्य से ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ने एक शो आयोजित किया है जो 1 से 4 सितंबर को JECC सीतापुरा में चल रहा है. कुंदन मीने की यहाँ पे आपको विशेष ज्वेलरी, कुंदन मीने के लोगों को विशेष तरह के आपको आइटम देखने को मिलेंगे जो रूटीन में आपको ज्वेलर्स के यहाँ नहीं मिलेंगे. इसमें नया इनोवेशन, हल्की ज्वेलरी और नई तरह की डिजाइनें जितनी यहाँ मिल पाएंगी वो अपने आप में एक यूनिक होगी. 11 साल पहले ये ज्वेलरी शो चालू किया था, 175 बूथ से हमने चालू किया था, आज 500 बूथ हो चुकी है. पूरे इंडिया के अंदर एक जयपुर ब्रांड बन चुका है, जस्ट शो के नाम पे पूरे दुनिया के अंदर जाने लगा है, और यहाँ से काफ़ी परचेज ऑर्डर्स हमको मिलते हैं. बाहर से करीबन 2,000 से ऊपर कस्टमर यहाँ आते हैं, 30,000 जयपुर के लोकल विजिटर्स आते हैं, और ये शो काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि एक ही छत के नीचे, चाहे घर में शादी हो चाहे व्यापारी हो, उसको एक ही छत के नीचे सभी तरह की ज्वेलरी, चाहे कुंदन मीना ज्वेलरी हो, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो, चाहे सिल्वर ज्वेलरी हो, सभी तरह की उपलब्ध हो जाती है. और प्राइस कंपटीशन भी इसके अंदर, प्राइस का भी कंपटीटिव प्राइस के अंदर उनको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी तैयार की गई है लोगों ने. प्रदर्शनी के संयोजक के मुताबिक जयपुर नगर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह ने न केवल शहर का आर्किटेक्चर प्लान किया था, बल्कि उन्होंने शहर में देश भर के मशहूर प्रतिभाशाली कारीगरों को भी रहने के लिए आमंत्रित किया था. इन्हीं कारीगरों की वजह से जयपुर आभूषण निर्माताओं की छोटी सी दुनिया बनता चला गया. जयपुर का प्रसिद्ध जौहरी बाजार इसका शाश्वत उदाहरण है, जहां दुनिया भर के एक से बढ़कर एक रत्न और ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं. हमने जैसे कलर स्टोन, डायमंड की, पोलकी की ज्वेलरी लगाई है, कुछ जो मॉडर्न फ्यूजन ज्वेलरी है, नॉट ट्रेडिशनल पोलकी बट फ्यूजन ज्वेलरी, साथ में मोती की चीजें हैं और कुछ कलर स्टोन के साथ के, इतनी वैरायटी, ये लोगों के बहुत पसंद है, और इवन जो यंगर जनरेशन है उनके लिए रोजमर्रा की डेली यूज के आइटम है. यहाँ के आभूषण निर्माता दुनिया भर में अपनी ज्वेलरी डिजाइन और नायाब गहनों के लिए मशहूर हैं. साथ ही यहाँ की कुंदन और मीना की कारीगरी ने जयपुर को संसार के मानचित्र पर एक विशेष दर्जा मुहैया कराया है. ज्वेलर्स का नाम पूरे देश के अंदर, जयपुर के अंदर मशहूर है, और जयपुर का ज्वेलरी शो
जो जश लगा रहे हैं, इसमें कलर स्टोन के द्वारा देश में सबसे बड़ा शो है ये, जिसमें लगभग 200 के ऊपर बूथ है। और ज्वेलरी के अंदर भी नए से नए क्रिएशंस जो राजस्थान के हिसाब से जयपुर के ज्वेलर्स दे रहे हैं वो अभूतपूर्व है, और देश में नई तरह की ज्वेलरी आपको इस शो में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आपको कई तरह के जो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की जो मैचिंग स्टोन्स है उनके साथ की भी ज्वेलरी आदेश मिलेगी। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी की माने तो इस प्रदर्शनी के रूप में उनका वो प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए वो प्रदेश और देश भर के ज्वेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी काबिलियत दुनिया को दिखाना चाहते थे। ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा ये प्रयास इसलिए किया गया था, जितने भी मेंबर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि अपनी ज्वेलरी को डिस्प्ले कर सकें, अपने रत्नों को बता सकें। जो भी हमारी कल्पना होती है हम उसको अपनी ज्वेलरी में दिखाते हैं। और मैंने जैसे अभी कहा भी कि ये बहुत मुश्किल है कि किसी औरत को माप लिया जाए कि उसको क्या चाहिए। हम वो गढ़ते हैं, विश्वास गढ़ते हैं और उनको सजाने के लिए काम करते हैं। JAS 17 में प्रदेश से ही नहीं देश के कई शहरों के ज्वेलर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के एक मशहूर ज्वेलर्स ने बताया कि जयपुर के ज्वेलरी डिजाइन इतने यूनिक होते हैं कि और कहीं दिखाई नहीं देते। जयपुर का जो हम एग्जीबिशन जब जब भी होता है, जैसे कि इस महीने में होता है और एक बार वापस हम दिसंबर में होता, तो हम बॉम्बे वाले जो लोग हैं यहाँ के टेस्ट को हम एक नंबर वन टेस्ट मानते हैं। और आज भी हमने देखा कि जो ज्वेलरी यहाँ दिखी वो शायद बॉम्बे में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, तो हम यहाँ से माल लेके जाते हैं और हमारे ज्वेलर्स लोगों को बेचते हैं। तो जो जो रियल आर्ट है ज्वेलरी में, जो कुंदन का काम है, विलंदी का काम है, इनेमल का काम है, ये सब काम इस तरह को उसको डीप से जो इसकी जो लुक जो आता है वो यही इसी जयपुर के माल से ही लुक आता है, तो इसके लिए हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। वहीं इंडिया न्यूज से बात करते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने बताया कि GST लगने के बाद ज्वेलरी सेक्टर पहले से बेहतर हो गया है। पहले इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता था, लेकिन अब सब कुछ बिल के साथ नंबर एक में आ गया है। अपने GST को लेकर भी मंत्री साहब के, राज्यपाल जी के आगे एक सवाल रखा कि एक रत्न के बारे में आपने बोला इसमें GST कम होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि GST के बाद ये जो नोटबंदी हुई उसके बाद ये शो लगा है, कैसी उम्मीद है आपको लेकर? देखिए, हमारे ज्वेलरी ट्रेड को हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता रहा कि सारा सब कुछ अनऑर्गेनाइज है, लेकिन GST लगने के बाद में हम सब लोग अपने आप को इतना सुधार चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो कोई हम नंबर दो का काम करते हो या कोई नंबर ऐसी तरह की पार्किंग करते हो, सारी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होती है, सारा नंबर एक में काम है। उसका जब बिल ऑफ एंट्री बन के आएगी, जब भी वो इंपोर्ट होगी, यहाँ केवल वैल्यू एडिशन का काम है। हम कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। हम एक रुपये की चीज़ को हम उसको बहुत तराश कर 10 रुपये की बना सकते हैं। ये आर्टिसंस की कारीगरी है, ये उनकी कारीगरी है कि उसको इतना निखार लेते हैं। यहाँ पे 4200 करोड़ का तो एक्सपोर्ट है, जिससे कि हम इतना बड़ी 20% लगभग हम जो जितना भी हमारे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है उसमें भागीदार हैं। हम किसी भी तरीके से कोई ना पॉल्यूशन करते हैं, ना किसी तरीके की कोई इंडस्ट्री को कोई हम किसी आदमी को परेशान हो रहा किसी भी तरीके से परेशानी है। ये इतनी सुंदर इंडस्ट्री, इतना बढ़िया काम है कि सारे देश में जितनी भी तारीफ की जाए। और ये तो डोमेस्टिक कंजम्पशन तो और ज़्यादा है, आजकल डोमेस्टिक कंजम्पशन हर लोग अपने पास ये सोचने लगे कि उसके पास एक कुंदन मीने का सेट हो, स्टोन ज्वेलरी हो, स्टोन की बीट्स हैं वो पहने, नए नए राशि रत्नों के हिसाब से वो ज्वेलरी को पहने। ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से इस ट्रेड को बढ़ा रही होती हैं। और हमारे पास जितने भी डोमेस्टिक जितने भी बायर्स हैं, जितने भी आने वाले लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो लोग इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा व्यापार है हिंदुस्तान का। इसलिए एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा व्यापार है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का राजस्थान की बात करें तो जयपुर की बात करें तो जयपुर का ये ज्वेलरी शो में आप भी आ सकते हैं और ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और जयपुर की ज्वेलरी की अपनी एक अलग पहचान है। जयपुर से जितेश चेठानंदानी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन हॉल में लगी JAS 2017 प्रदर्शनी, जहां पर आभूषण निर्माताओं के लिए अपनी कारीगरी को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहीं खरीदारी यहां ज्वेलरी की दुनिया की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग फैशन से वाकिफ हो सकती है। प्रदर्शनी में राजस्थानी परंपरागत आभूषणों के अलावा मॉडर्न ज्वेलरीज की अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन हॉल में लगी ये प्रदर्शनी आभूषणों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए है।
यानी यहाँ खरीदार ही नहीं बल्कि वो लोग भी आ रहे हैं जो आभूषणों की दुनिया से किसी भी तरह का संबंध रखते हैं। कोई यहाँ शादी की तैयारी के लिए ज्वेलरी देखने आया है तो कोई ज्वेलरी वर्ल्ड में क्या नया आया है ये देखने के लिए आया। नई नई चीजें देखते तो एक तो दिमाग को खुराक भी मिलती है और लेडीज का तो स्पेशली कपड़ों का ज्वेलरी का है तो आप क्या खरीदने का विचार कर रहे हैं? नहीं किया है, बिटिया की शादी है तो उसके पर्पज से देख रही थी। इस बार हर बार से काफी अच्छा लगा, जड़ाऊ में, कुंदन में, सारी जगह कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। जयपुर का फेम, हाँ वैसे उसी के पर्पज से ये ज्वेलरी जयपुर की जो है वो अपने को और कहीं नहीं मिलती, और स्पेशली आपके वृद्धचंद जी के यहाँ से तो काफ़ी टाइम से लेके जा रही हूँ मैं। काफ़ी अच्छी लग रही है बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है फॉर मैरिज, सो अच्छा टाइम मिल गया टू एक्सप्लोर एंड ऑल दैट, एंड विद इन एक ही एरिया में आपको इतनी सारी वैरायटी मिल रही है तो अभी बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड मोस्टली जड़ाऊ सेट्स में इंटरेस्ट है एंड वैरायटी इतनी सारी है तो, और इंटरेस्टिंग भी है बट कंफ्यूजन भी बहुत हो रहा है, बहुत सारी वैरायटी है। भारतीय परंपरा में रत्न और आभूषणों का एक खास स्थान है। हालांकि भारत में बनी ज्वेलरी की अब विदेशों में भी मांग बढ़ने लगी है, लेकिन आयोजकों की माने तो विदेशों से ज्यादा अपने ही देश में ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड है। ज्वेलरी देखने के लिए आए लोगों में यहाँ कई ऐसी नवयुवतियाँ भी हैं जो ज्वेलरी डिजाइन एंड कटिंग की प्रोफेशनल स्टडी कर रही हैं। उनका मानना है कि वो जो डिजाइन बनाना सीखते हैं उनका यहाँ प्रैक्टिकल लुक देखने को मिलता है। JCC में ज्वेलरी शो चल रहा है तो इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वहीं ज्वेलरी से जुड़े हुए छात्र जो ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको आज यहाँ पर क्या सीखने को मिला। चलिए उनसे जानते, आप यहाँ पर आए हैं प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपने ज्वेलरी देखी है, कैसा लग रहा है आपको, क्या सीखने को मिला? अच्छा लग रहा है, बाकी स्टोन्स की नॉलेज हो रही है, बाकी ज्वेलरी जैसे बनती है उसमें कैसे बना सकते हैं उस चीज़ की नॉलेज हो रही है। हाँ स्टोन जैसे एमराल्ड में भी अलग अलग तरह के होते हैं, लाइंस होती है किसी में कुछ, किसी में कुछ, मिनरल्स अलग अलग होते हैं, आइटम्स होते हैं, तो उन सब की नॉलेज। थैंक यू। और भी लोग हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे प्रैक्टिकल शिक्षा यहाँ पे मिल रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है टेंपल ज्वेलरी के बारे में, क्राफ्टिंग ज्वेलरी के बारे में और स्टोन्स वगैरह के बारे में भी, जैसे रोडोक्रोसाइट देखा, पायराइट देखा, यही सब देखा। अगर आप ज्वेलरी डिजाइनर बन जाएंगी तो किस तरह की डिजाइनिंग बनाएंगे, नई डिजाइन सोच के बताइए हमारे को। यहाँ पे जैसे मेरे को बहुत सारे रफ स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं तो मैं उनको यूज़ में लेके मैं ज्वेलरी बनाना चाहूँगी। उनको यूज़ में लेकर ज्वेलरी बनाना चाह रही हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप का कौन सा ईयर है आपका और यहाँ पे क्या सीखने को मिला? मेरा फर्स्ट ईयर है सर, तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ पे। देखी मैंने जो मैंने बनाई है हाथ से बनाने में और रियल में देखने में बहुत डिफरेंट है। तो मैंने जो स्टोन वगैरह बनाया है ना, तुलमुलिंग वगैरह, और जो मैंने हाथ में लेके देखा ना तो उनमें बहुत डिफरेंट था। ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपको कितना स्कोप लगता है? यहाँ पे आए होंगे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ पे जो ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर हैं, उनसे मिलकर कैसा लगा? उनसे मिलकर अच्छा लगा, ज्वेलरी में वैसे काफ़ी स्कोप है अगर आप अच्छी डिजाइनिंग करते हैं और उसके ऊपर स्टोन के ऊपर जैसे रफ स्टोन है सबको यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छा है, उसमें स्कोप है। ज्वेलरी मेकिंग एंड डिजाइन के प्रोफेशन से संबंध लोगों के लिए यहाँ टूल्स, मशीन और इंडस्ट्री से संबंध दूसरे सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो अगर आप भी रत्न और आभूषणों की इस दुनिया में शरीक होना चाहते हैं या फिर आप भी ज्वेलरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन हॉल में लग रही प्रदर्शनी में जरूर आए। लेकिन ध्यान रहे ये प्रदर्शनी ज्यादा दिन तक नहीं है, आप यहाँ केवल 4 सितंबर तक ही आ सकते हैं।
जयपुर से जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज राजस्थान। जस्ट 2017 का लुत्फ आप ले सकते हैं, 4 सितंबर तक ये चलने वाला है और नए नए डिजाइन ज्वेलरी के क्षेत्र में यहां पर देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी। बहरहाल